बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है टॉपिक 1.6, दैट इज़ मायरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये मायरिंग इंस्ट्रूमेंट जो टॉपिक है वो क्लास 9th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मायरमेंट्स। ठीक है, अब आज जो हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मायरिंग इंस्ट्रूमेंट का ही एक सब टॉपिक है, उसको हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब मायरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो हमारे पास मेयर कर सकते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ को, उन्हें हम कहते हैं मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेयरमेंट्स, यानी कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है वो मेयरेबल हैं। ठीक है, उनको मेयर करने के लिए सम मेयरमेंट्स रिक्वायर होगी हमें। तो मेयरमेंट जो है उसके लिए हमें, हमारे पास क्या होना ज़रूरी है, मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट होना ज़रूरी है जिससे हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेयर कर सकते हैं या फिज़िकल क्वांटिटी इसकी मेयरमेंट ले सकते हैं। क्लियर। अब आज जो हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट का ही एक सब टॉपिक है, स्टॉप वॉच। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें कि आज हम यहाँ पर कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी को डिस्कस करने वाले हैं या कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी जो है जिसके हम इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारे पास टाइम। ठीक है, टाइम जो है वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, तो उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम यहाँ आज डिस्कस करने वाले। तो टाइम जो है उसको मेयर करेंगे हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की मदद से, इसको हम कहेंगे टाइम मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, टाइम मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अब टाइम को मेयर करने के लिए हमारे पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर है, वो है स्टॉप वॉच। ठीक है, स्टॉप वॉच। अब ये स्टॉप वॉच क्या करता है, उसका क्या काम है, क्या पर्पज़ है इसका। यहाँ पर स्टॉप वॉच जो है वो ये टाइम इंटरवल को मेयर करता है। अब वो टाइम इंटरवल हमारे पास शॉर्ट भी हो सकता है, टाइम इंटरवल लॉन्ग भी हो सकता है। तो ये क्या कर रहा होता है, टाइम इंटरवल को क्या चीज़ मेयर कर रही है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेयर कर रहा है, वो है स्टॉप वॉच। ठीक है, अगर हम बात करें, ये हम 9th-10th की अगर प्रैक्टिकल लैब्स में अगर हम किसी भी चीज़ का डिस्टेंस या किसी चीज़ का टाइम मेयर करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टॉप वॉच। ठीक है, क्लियर। जैसे कि अगर एक बात करें कि एग्जांपल लें, 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ही सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही एक टॉपिक है। ठीक है, उसमें एग्जांपल है पेंडुलम की। ठीक है, स्ट्रिंग के साथ एक बोब अटैच है। अगर हम उस बोब को क्या करेंगे, उसकी मेन पोजीशन से हटाकर एक्सट्रीम पोजीशन ए पे ले जाकर जब उसे रिलीज़ कर देंगे तो उसे क्या होगा, तो उसमें टू एंड फ्रो जो है वो वाइब्रेशंस पैदा होंगी। ठीक है, अब जब तक वो स्टॉप नहीं करता तब तक हम उसकी वाइब्रेशन काउंट करेंगे और उस वाइब्रेशन ने स्टॉप होने तक कितना टाइम लगाया है उसका हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। क्लियर। अब स्टॉप वॉच क्या कर रहा होता है, टाइम इंटरवल को मेयर कर रहा होता है, टाइम इंटरवल इंटरवल। अब ये टाइम इंटरवल शॉर्ट भी हो सकता है और ये टाइम इंटरवल लॉन्ग भी हो सकता है। क्लियर होगी बात। अगर आप इसके एग्जांपल लें, एक बॉडी है, बॉडी ए, ठीक है, उसने बॉडी बी तक डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, बॉडी बी तक डिस्टेंस कवर करना है। अब ये डिस्टेंस तो कवर हो गया लेकिन उसके लिए कितना टाइम रिक्वायर है, उसमें टाइम इंटरवल कितना लगा है, तो हम यहाँ पर इसको टाइम इंटरवल को काउंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। क्लियर, इज इट क्लियर। ठीक है, तो यहाँ हम विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच इसका टाइम पीरियड मेयर कर सकते हैं। अगर आप स्टॉप वॉच की बात करें तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच थी। ठीक है, बल्कि टू टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच हैं। ठीक है, एक है मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड अदर वन इज़ डिजिटल स्टॉप वॉच। अब मैकेनिकल स्टॉप वॉच क्या है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है वो पहले जो है वो मोस्टली यूज़ होती थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, अब भी यूज़ होती है, ऐसा नहीं होता कि अब नहीं यूज़ होती, लेकिन अब जो है वो जैसे कि टेक्नोलॉजीज़ का दौर आ गया तो उसमें क्या है, अब डिजिटल जो स्टॉप वॉच है वो ज़्यादा यूज़ हो रही है, लेकिन कहीं कहीं मैकेनिकल स्टॉप वॉच भी यूज़ होता है। अगर आप प्रैक्टिकल लैब्स में चले जाएँ तो वहाँ पर मैकेनिकल स्टॉप वॉच भी अवेलेबल है, लेकिन ज़्यादातर क्या यूज़ होता है, डिजिटल स्टॉप वॉच। अब डिजिटल स्टॉप वॉच क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही प्रिसाइज और एक्यूरेट मेयरमेंट देता है डिजिटल स्टॉप वॉच। ठीक है,
तो इसलिए हम डिजिटल स्टॉपवॉच ज़्यादातर लेबोरेटरीज में वही यूज़ करते हैं। अब हम सबसे पहले मैकेनिकल स्टॉपवॉच के बारे में पढ़ लेते हैं कि मैकेनिकल स्टॉपवॉच क्या है। ठीक है, अब उससे हम टाइम मेजर कैसे कर सकते हैं और उसकी वर्किंग कैसे होती है। ठीक है, मैकेनिकल स्टॉपवॉच और नेक्स्ट वन इज डिजिटल स्टॉपवॉच। डिजिटल स्टॉपवॉच, अगर हम मैकेनिकल स्टॉपवॉच की बात करें तो मैकेनिकल स्टॉपवॉच जो है वो लाइक इस तरह होता था, हमारे पास इस शेप में होता था। ठीक है, यहाँ पर इसकी एक नॉब बनी हुई होती है। ठीक है, अब ये नॉब जो है वो इस स्टॉपवॉच को पावर सप्लाई प्रोवाइड करती है। अब किस किस्म का पावर सप्लाई प्रोवाइड करती है, यानी कि यहाँ से इसको हम स्टॉपवॉच को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद हम इसी जो नॉब है इससे स्टॉप भी कर सकते हैं और उसे रीसेट भी कर सकते हैं। ठीक है, रीसेट भी कर सकते हैं। अब इस स्टॉपवॉच के ऊपर क्या होते हैं, यहाँ पर ऑर्स शो किए होते हैं। ठीक है, ऑर्स शो हुए होते हैं और उसके बाद यहाँ पर मिनट्स भी शो हुए होते हैं। ठीक है, मिनट्स के बाद यहाँ सेकेंड्स भी शो होते हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी वैल्यू को मिनट्स में ले रहे हैं तो साथ में उसके सेकंड्स भी दिए हुए हैं। और यहाँ पर एक नीडल होती है, ये एक ज़ीरो पे होती है नीडल। अब अगर हमने क्या करना हो, मैकेनिकल स्टॉपवॉच से हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम इंटरवल मेजर करना हो तो क्या करेंगे, ये इस नॉब को, ठीक है, इस नॉब को हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट का टाइम इंटरवल हमने ले लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसको स्टॉप करना है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर नॉब को स्टॉप करेंगे तो वहाँ जितनी हमने हमें रीडिंग चाहिए होगी वो हमें मिल जाएगी और नीडल जो है उसकी रीडिंग यहाँ पर शो कर देगी। ठीक है, अब अगर मे बी हमने अगेन उसकी रीडिंग लेनी हो, अगेन टाइम इंटरवल मेजर करना हो, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, नॉब को पहले रीसेट करेंगे। ठीक है, थर्ड टाइम प्रेस करेंगे, अगर फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे तो नॉब स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नॉब को फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे तो ये जो मैकेनिकल स्टॉपवॉच है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर सेकंड प्रेस करेंगे तो मैकेनिकल स्टॉपवॉच जो है वो स्टॉप हो जाएगा। अगर हम थर्ड टाइम, यानी कि थर्ड टाइम हम क्यों इसको प्रेस करेंगे, अगर हमने अगेन किसी मतलब किसी चीज़ की रीडिंग लेनी हो या किसी चीज़ का टाइम इंटरवल मेजर करना हो तो थर्ड टाइम जब उसे प्रेस करेंगे तो वो रीसेट हो जाएगी। ठीक है, रीसेट होने के बाद फिर इसी तरह हम अगेन उसका टाइम इंटरवल मेजर कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब अगर इसके लीस्ट काउंट की बात करें, मैकेनिकल स्टॉपवॉच के लीस्ट काउंट की बात करें, तो इसका लीस्ट काउंट जो होता है वो 1/10 सेकेंड होता है। 1/10 सेकेंड यानी कि अगर इसको डिवाइड करें तो 0.1 सेकेंड। तो इट्स मीन हम जो है मैकेनिकल स्टॉपवॉच में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो कितनी इसकी मेजरमेंट ले सकते हैं, 0.1 सेकेंड तक हम इसकी मेजरमेंट ले सकते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है के लीस्ट काउंट ये बता रहा होता है कि कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितनी कम वैल्यू यानी कि कितना कम से कम उसका रिजल्ट शो करके बता सकता है, वो हमारे पास होता है लीस्ट काउंट। अब इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 सेकेंड। ठीक है ना, तो इसका मतलब है जो हमारे पास मैकेनिकल स्टॉपवॉच है वो 0.1 सेकेंड तक रीडिंग दे सकता है। अब अगर हम स्टॉपवॉच की बात करें, स्टॉपवॉच की जैसे शेप इस टाइप कुछ इस टाइप की होती है, यहाँ पर इसकी नॉब्स होती हैं, इसकी दो नॉब्स होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर डिजिटल मीटर होता है, यानी कि यहाँ पर डिजिट्स शो होते हैं। अगर एक नॉब को हम प्रेस करेंगे, ऑन और ऑफ को प्रेस ऑन करेंगे, और अगर किसी चीज़ का टाइम इंटरवल मेजर करना हो तो उसको ऑन करेंगे, तो यहाँ पर डिजिट्स की फॉर्म में उसका टाइम इंटरवल मेजर हो जाएगा, लाइक 10 मिनट्स 3 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर इसका टाइम शो करके बता देगा। तो जब हमने इसको किसी चीज़ का टाइम इंटरवल मेजर कर लिया है तो उसको स्टॉप करना हो तो हम इस स्टॉप नॉब से इसको स्टॉप कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारे पास जो भी टाइम इंटरवल आया है वो यहाँ डिजिटल मीटर के ऊपर शो हो जाएगा। अगर हम डिजिटल स्टॉपवॉच के लीस्ट काउंट की बात करें तो डिजिटल स्टॉपवॉच का लीस्ट काउंट जो है वो होता है
1 बाय 100 सेकेंड, ठीक है। इट्स मीन 0.01 सेकेंड तक ये हमें रीडिंग दे सकता है डिजिटल स्टॉपवॉच, यानी कि डिजिटल स्टॉपवॉच इससे भी हमारे पास मैकेनिकल स्टॉपवॉच से भी लीस्ट मेजरमेंट दे सकता है। मैकेनिकल स्टॉपवॉच से भी कम हम इसके अंदर से स्मालेस्ट हम इसकी रीडिंग ले सकते हैं डिजिटल स्टॉपवॉच में। इसलिए डिजिटल स्टॉपवॉच जो है वो मोस्टली यूज़ होता है, और ये जो हमारे 9-10 की लेबॉरटरीज हैं या FSC की लेबॉरटरीज हैं तो उसमें जो टाइम इंटरवल मेजर करना हो तो उसके लिए हम स्टॉपवॉच यूज़ करते हैं। क्लियर होगी बात? क्योंकि जो डिजिटल स्टॉपवॉच है वो स्मॉलेस्ट रीडिंग दे रहा होता है देन मैकेनिकल स्टॉपवॉच, ठीक है। मैकेनिकल स्टॉपवॉच से भी ज़्यादा जो है हमारे पास स्मॉलेस्ट रीडिंग दे रहा होता है डिजिटल स्टॉपवॉच, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक जिसमें हम टाइम को मेजर कर रहे थे, ठीक है। जो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो टाइम है, उसमें हम टाइम को मेजर कर रहे थे, टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यहाँ हम पढ़ रहे थे। तो टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक यानी कि वो स्टॉप वॉच से हम मेजर कर सकते थे। अब स्टॉप वॉच की भी 2 टाइप्स थी, मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच। अब हमने मैकेनिकल जो है स्टॉप वॉच को डिस्कस कर लिया और डिजिटल स्टॉप वॉच को भी डिस्कस कर लिया। तो दैट वॉज द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक यू सो मच।